नमस्कार, परम कश्मीर की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ। पिछले लगभग 2 महीने से हम ये निर्णय कर चुके थे कि जैसे ही एक नई सरकार दिल्ली में बनेगी, किसी की भी होगी, तो उसके बाद उपस्थित जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण और उस पर अपनी राय ये लेके हम अपने सभी मित्रों और जो हमारे अपनी कश्मीरी जो समुदाय है उसके जो सदस्य हैं हम तक पहुंचेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये 27 तारीख का निर्णय हमने बहुत पहले से किया। हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि जिन संभावनाओं को तलाशने की पिछले 20 से अधिक वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो संभावनाएं कहीं किसी पूर्ति की तरफ बढ़ रही है। और जो एक एलिनेटेड माहौल था, खासकर इंडियन स्टेट को लेकर, उस एलिनेशन में आज एक टोटल, जिसको हम कहेंगे टोटल चेंज, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो द न्यू रिजीम दैट हैज नाउ टेकन शेप इन दिल्ली विल बी एंड इज क्लोजर टू द इंडियन इथॉस, द इंडियन आइडिया ऑफ व्हाट इज द नेशनहुड। और जो एक विचारधारा जिसको अभी तक, जिसकी गुलामी हम सब लोग भुगतते आ रहे थे पिछले लगभग 60 सालों से, उससे शायद छुटकारा मिलेगा और स्थान ग्रहण करेगा। हमारे दूसरे एक मेहमान जो दिल्ली से आए हैं, श्री सुशील पंडित जी, वो मीडिया के साथ पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन हुआ है गुजरात में पिछले 3 इलेक्शन में, उन्हें ही हैज बीन इस कैंपेन में। तो हमें लगा कि आज के दिन उनका यहां होना हमारे लिए और अपनी जो समाज है उसके लिए अच्छा रहेगा, तो हमने इनको आमंत्रण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आप आए। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अग्निशेखर को, जो कन्वीनर है मरून कश्मीर के। मरून कश्मीर के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय संगू, आप ही प्लीज आए। और हमारे जो सीनियर सेनापति हैं, जिनके कारण हम हैं, जिनके साहस के कारण हम चल रहे हैं, श्री बिस्सल साहब, ही हैज बीन ए ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स। मैं उनको भी बुलाता हूं स्टेज पर।
And I sincerely hope that the vibrations that emanate from this place today will definitely produce its effect. And to start with, I would request Professor M.K. Tain ki wo aaye aur aaj ka opening remarks aur udbodhan jo hai wo karenge. Yahi se bolenge mic pe aaye. के लिए इंतजार करना पड़े क्योंकि टेन साहब की जो अपनी कंडीशन ऑफ हेल्थ है इट्स नॉट सो गुड एंड ही मे नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम सो ही हैज रिक्वेस्टेड देम टू अरेंज फॉर ए वायरलेस माइक टिल द टाइम दैट कम्स आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड इन द मीन टाइम वी कैन टॉक अबाउट द पास्ट एंड वी कैन रीथिंक अबाउट हाउ वी circumstances last 25 years and I can calculate you know the time when we had the Margadarshan us Margadarshan ke time mein hamare ek bade varishth ek nagrik hain aur bahut likhte hain and he was a special invitee on that occasion first day ka session tha when we were talking about the possibilities of state reorganization and formation of Panam Kashmir Home and you know that man he talks कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये जो 1000 लोग यहाँ बैठे हैं क्या यही कश्मीरी समाज है एंड देन हिज सेकंड रिमार्क वाज कि क्या जो आप सोचते हो क्या वही सही है बहुत से विचार होते हैं यू नो ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड ही वाज नॉट विद इट सब्सिक्वेंटली 25, 24 years have passed. This is the 24th year, 23 years have passed. And now that man only says, yaar, humare paas to alternative hi nahi hai, state ko bachane ka koi tarika hi nahi hai. You know, this is how, you know, ideas, and I have seen it always that, and that's the kind of confidence that we have, you know. The only confidence that we have is that once we look into a problem, and once we try to reduce the possibilities and the conclusions that we draw ultimately stick. And I still feel that whatever direction Indian state may try to take, keeping this unnatural state of Jammu and Kashmir as one whole is not pragmatic. And this is the kind of a solution that we have envisaged and proposed, which the dispensations, whether they are for this or that, will have to keep in consideration. मुझे एक और टाइम याद आता है हम यहाँ नहर पे हमारे होते थे आप लोग सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे हम सब होते थे नहर पे और प्रोफेसर हरिओम एक हमारा ओकेजन था 14 सितंबर का आपको याद है सर एंड देयर ही हैड सेड कि जो कश्मीरी पंडित सोच रहा है वही सॉल्यूशन है स्टेट का और प्रोफेटिक वर्ड्स यू स्टिल डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन एंड ही सेड कि आप डरना नहीं आप घबराना नहीं आप रुकना नहीं And he said, I remember, he can correct me, कि इस देश को अगर दिशा देनी है तो वो आप लोगों ने देनी है क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है उसके विक्टिम्स आप प्रेरणा के स्रोत
Dr. Abhishekhar, Dr. Changu, Priyamitra, Shailendra Ji, Kuldeep Ji, Professor Ariom Ji, Sriman Yuvraj Ji. I'm so happy to be back here. And I'm so grateful that you remembered and provided me this opportunity. Since 16th of May, and I'm not saying this as anything different from how you've experienced, I think I'm living in a different world. 16th of May was the watershed in our lives almost, without exaggeration. There was a life we led before 16th of May. And there is this period that we are living now. Frankly, it is sinking in still. And when Shailendra was telling me about, or telling all of us about Ganga Aarti, that went on for hours, I was trying to recall, when was it last that I saw an Indian Prime Minister in a temple or even doing a puja anywhere? I couldn't recall. I don't know if you recall any occasion. As if it was a matter of embarrassment or a guilt that you could associate yourself with your faith, your symbols of reverence. And it is this that reminds you and keeps telling you that yes, the world has changed. Yes, things have changed substantially. That it's almost as if this country has got a new life. But the symbolism apart, when we say a new situation and we recall 16th of May, what are we essentially telling us is the mandate. And what an amazingly fantastic mandate it was. It was the stuff fantasies are made of. You get down to the details and you realize what I'm talking about. Look at four corners of India: Ladakh, Kanyakumari, Arunachal Pradesh in the far east, and the farthest western corner, Kutch. In all these four places, the mandate has come for the present dispensation. And we can always debate about it. There are flip sides and there are positives. But for the first time I saw Hurriyat conference asking for an audience from Nawaz Sharif and a visiting Pakistani head of state or a chief executive declining. This happened for the first time. This sensitivity has crept in, that he cannot afford to dial a wrong number with a new leader who is a completely different kettle of fish. This sensitivity has dawned in. That this man means business. That he is not a pushover. So things like these, I need to see it in the perspective of what has very recently appeared in newspapers. Some busybodies have used the new mandate to float some trial balloons of hypotheses, of initiatives about our going back. Of course we shall go back. That's our home. We are not going to give it up. But go back on what terms? And is going back the solution? Is our exodus in the first place the problem? You know, when you start rushing towards solution, and that's the challenge,
this the problem or was this the manifestation of problem? Our coming out of our homes. I don't think that was the problem. Nobody in his sane mind can ever say that our exodus was the problem. Our exodus actually was the manifestation of the problem. It was a symptom of the problem. So therefore our settling back there is not going to be the solution. It can at best be the litmus test of the solution, whether it is the right solution or not. And like we didn't know, we didn't need government to bring us out, we don't need government to take us back either. But the conditions there have to prevail. If sarpanches are sitting ducks, if MPs and MLAs can't roam free among their own constituents, if the chief minister has to move around in a convoy full of security, what are they sending us back for? And what purpose will it serve? So therefore, the challenge now that we have the mandate, now that there is absolute clarity, no political ambiguity, and now that we have a man who's driven, who's clear-headed, and who has no qualms about defining the problem as it ought to be, the challenge is to avoid that slip between the cup and the lip. Now that we have cleared the minefield, the challenge is that we do not trip on our shoelaces. And that needs a great deal of clarity and sagacity. और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ तो मैं अंदर से बड़ा निराश हो गया था कि बोल नहीं पाया पहले। कभी कभी डिसएडवांटेज होती है, मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं कि मैं वहां खड़ा रहूं एक घंटा आधा घंटा। अब लगता है कि अच्छा कि श्री सुशील पंडिता साहब ने तो कुछ ऐसी बातें कही जिनमें से ज्यादातर बातें हम चाहते थे हो जाए आज नहीं पिछले 25 साल से। एक बात मैंने मिस नहीं की, दबी जबान में शैलेंद्र जी ने यहां कहा और बहुत गहरी बात है कि इंडियन स्टेट बराबर आज तक इंडियन नेशन के साथ लड़ता आया है, इंडियन सिविलाइजेशन के साथ जंग करता आया। उन्होंने आपसे कहा कि अब उम्मीद है, और जो सुशील पंडित जी ने हमें कहा कि उम्मीद ये है कि वो स्टेट ऑफ वॉर जो है इंडियन स्टेट और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में, इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन के बीच में, वो खत्म हो गया। अब इस मौजू में, इस इशू पर मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि कुछ बहुत जरूरी बातें आपसे करनी है। जिनमें से पहली ये बात है कि इस मैंडेट के मिलने के बाद जो इतना मैसिव है और जबको जो सबको मालूम है कि इस मैंडेट के पीछे कौन सा फोर्स है, वो तो सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं।
उसमें से पहली ये बात है जो कि डायरेक्टली हमको टच कर रही है, क्योंकि एक जो कि पिछले 65 साल एक फिनोमेना रहा इंडिया में, उसके डायरेक्टली शिकार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के लोग हैं, खासकर बुद्ध सिख और हिंदू। आज तक शायद आपने सुना नहीं होगा कि 1947 में जब इन्वेजन हुआ तो 80,000 सिख और हिंदू मारे गए, 20,000 लेडीज को अबडक्ट किया गया, उसके बाद की तबाहियां जो है वो आपके सामने है। 1990 में क्या हुआ, बीच बीच में क्या हुआ और क्या नहीं, एक जेनोसाइड हुआ उस टाइम पर, एक फोर्स एक्सोडस हुआ उस टाइम पर, जिस टाइम पर जो कि इस सिविलाइजेशनल प्रोसेस में जो आजकल का है अनइमेजिनेबल था। कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पाकिस्तान ने अनलीश किया एक रिलीजियस वॉर। अब देख लीजिए, जिस इस्लामिक स्टेट को आप स्टडी करेंगे वहां आपको एक बड़ी अजीब बात मिलेगी। वहां पर आपको मिलेगी कि दे आर यूजिंग इस्लामिक वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यू सी इवन पॉलिटिकल चेंज। यही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इस्तेमाल किया 1990 से, वैसे पहले से ही किया, 1990 से बिल्कुल रेगुलर रिलीजियस वॉर चल रही है, 1990 से आज भी चल रही है रिलीजियस वॉर, कहीं कमी नहीं हुई है। इसके कुछ फॉर्म्स हैं जो कि फॉर्म्स बदले गए, ये टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म कुछ एक और ही जनर है, ये मिलिटरिज्म नहीं है, ये बाज़ाइता एक जिसको हम कहें एक स्पेसिफिक टाइप का आइडियोलॉजिकल का मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल करते हैं सम स्टेट विच हैव बीन डूइंग इट। यही हिटलर ने इस्तेमाल किया, यही जापान ने इस्तेमाल किया, यही इटली ने इस्तेमाल किया, यही बाद में टोटलिटेरियन स्टेट्स जो कम्युनिस्ट की थी उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह, बचा कोई नहीं इससे, चैलेंज हमारे सामने ये है। चैलेंज जो नई गवर्नमेंट के सामने ये है, क्या वो समझते हैं कि इससे बच नहीं पा सकता है। चैम्बरलिन गया जर्मनी, हिटलर के साथ पैक्ट किया भाई अब पीस होगा, मगर पोलैंड का पोलिश कॉरिडोर दे दो, हिटलर ने पोलैंड का पोलिश कॉरिडोर ही नहीं दिया, सारा पोलैंड दे, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और इंग्लैंड बर्बादी के कगार पर पहुंचे। रशिया ने जर्मनी के साथ पैक्ट किया कि दोस्ती है, वो है, ये है, सब कुछ है, दो साल रुके रहे, 1941 में जब हमला हुआ 450,000 जर्मन फोर्सेस अंदर पहुंचे, रशियन गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, और पढ़ना चाहिए आपको, कोई आपसे कहे कि रक्षा का क्या हुआ बात। ट्रूमन से कहा गया, रूजवेल से पहले, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हुआ ट्रूमन, उससे कहा गया भाई जर्मन ये जापान डेंजर है पैसिफिक के लिए, उसने कहा छोटा सा मुल्क है हमें क्या करेगा, ये चाइना वाइना में लड़ रहा, मगर जब पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया 21,000 लोग एक दिन में मारे गए वहां पर, 51 वार्शिप्स डूब दिए गए,
चैलेंज ये है, चैलेंज कश्मीर में है और सबसे बड़ा कश्मीर का चैलेंज ये है कि चैलेंज कश्मीर में एथनिक क्लींसिंग हो गई, एक रिलीजियस एथनिक क्लींसिंग हो गई, इसको हम एथनिक क्लींसिंग भी नहीं कहेंगे, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिलीजियस वॉर नहीं, रिलीजियस एथनिक क्लींसिंग। 6-7 लाख लोग बाहर हैं, जम्मू एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप है, 10-11 लाख लोग आजाद कश्मीर से बाहर, तो उनका भी टेरिटोरियल क्लेम है जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उस पर, वो यहां पर अभी अनसेटल्ड है, 65 साल के बाद भी अनसेटल्ड है, अब 25 साल के पलायन के बाद भी अनसेटल्ड। चैलेंजेस है, कोई कहे कि चैलेंज कम नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं आपको इंप्रेशन देना चाहता हूं कि मैं चैलेंज पर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूं, मैं नस्बत के होप्स के, होप्स भी हैं और सबसे बड़ी होप ये है, मैंने जो आपको बताया कि इंडियन मॉडल जो है, जैसा कि सुशील जी ने भी कहा, इंडियन आउटलुक में फर्क आया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड कहा कि इंडियन जो वर्ल्ड व्यू है उसमें चेंज आया। आई विश दैट दैट वे ट्रू, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि एक इंडियन वर्ल्ड व्यू है, एकदम गुप्त की वर्ल्ड व्यू है, भगवद गीता की वर्ल्ड व्यू है, ऋग्वेद की वर्ल्ड व्यू है, एक वर्ल्ड व्यू है, मैं तो ये नहीं कहता हूं होप्स नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि चैलेंज भी कोई काम नहीं है। और बस आप जो भी समझे, मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम इस एक चैलेंज में जो कि पाकिस्तान का है उसकी फ्रंट लाइन पर रहे हैं, 47 से बराबर फ्रंट लाइन पर रहे, लड़ते रहे, जो लोग हमारे साथ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में उनको खदेड़ करके यहाँ पर कितने कितनों को क्या किया, इसी हजार लोग, कोई मजाक नहीं है, जोक नहीं है, उनको क्या किया और उनके उसके बाद उनका क्या हाल हुआ जम्मू में यहाँ, और हमारा 25 साल क्या हाल हुआ, हम ही मरे 600 साल पहले, हम ही मरे 400 साल पहले, हम ही मरे हैं 200 साल पहले, हम कल भी हम ही मरे हैं, बार बार हम ही मरे। चैलेंज ये है, इस जेनोसाइड को बंद करो, 8 लाख आबादी हमारी थी 14वीं सदी में, और जो रंजीत सिंह ने रिकॉन्कर किया कश्मीर को, तो कुल 28,000 हिंदू बच गए। यहाँ पर प्रसिद्ध हिस्टोरियन ने बैठे हैं, उनसे पूछे इंडिया में आप 28,000 हिंदू, उसने सेंसस कराया 28,000 में, बार बार हम ही मरे, इस प्रोसेस को खत्म करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। एक बहुत बड़े बहुत ही सेंसिटिव गॉड को टच किया, क्योंकि इस वक्त कोशिशें हो रही हैं दिल्ली में बैठ करके कुछ लोग, हम में से भी कुछ लोग और बाहर भी कुछ लोग, कि कश्मीरी पंडित को भेज दो, अब तो वहाँ हालात ठीक हो गए हैं, वहाँ बैठ जाएगा, और वो एक जिसको एफेमेरल इमेजिनरी सेक्युलरिज्म का वो जो है वो उसको स्ट्रेंथन कर देगा। 6-7-5 लाख लोग जाएंगे वहाँ पर, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके मंदिर उनके नहीं है, जिनके जिनकी जिनका लाइवलीहुड कोई नहीं, और सबसे बड़ी बात जिनको जो कि स्लेवरी आकर मुस्लिम स्टेट से भाग चुके हैं, वहां पर एनस्लेवमेंट से भाग चुके हैं, वहां से चैलेंज वो है। और आपको मालूम नहीं है पिछले 3-4-5 दिनों से हम लोगों को बहुत परेशानी हुई है, डॉक्टर अग्निशेखर को मालूम होगा, सुशील जी को मालूम होगा, डॉक्टर वो आपको बता देंगे, अभी परेशानी ये हुई कि अगर
लोगों को जो बार बार मरे हैं अगर फिर उनको मरने भेज दिया जाए तो कोई वो बात में बच नहीं सकते। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, आप मेरी बात से एक्साइटेड हूँ या ना, उसके बाद मैं अपना ये अपनी बातें बंद कर दूँ। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग शायद मेरे साथ एग्री नहीं करते हो। मैं तो सीधी बात करता हूँ, सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ। इंडिया का फ्यूचर जो है वो बंधा हुआ है जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के साथ, और जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो बंधा हुआ है जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के फ्यूचर के साथ, जिससे कश्मीर पंडित भी आ जाता है। अगर वही बात रिपीट होती है कि हम मरते रहेंगे और हम मरते रहेंगे और हम मरते रहेंगे, तो अगर कोई ये समझता है कि बात बच जाएगा मरने से, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह से होता नहीं। इंग्लैंड नहीं बचा हिटलर के प्रकोप से, स्टालिन नहीं बचा हिटलर के प्रकोप से, अमेरिका नहीं बचा जापान के प्रकोप से, हिंदुस्तान भी नहीं बच सकता ऐसे प्रकोप से। लास्ट में आपको बता दूंगा कि सोच लीजिए, और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बात कीजिए, कहिए जहां जहां भी आप बैठे हैं, कोई बात जाया नहीं हो जाती है। जहां आप एक बात भी करते हैं उसका भी कीमत, वो भी प्राइसलेस है। आप में से, हम में से जो अदना से अदना आदमी, आदमी से अदना से अदनी जगह पर बात करता है उसका भी बहुत प्राइस। आप कह दीजिए, पाकिस्तान के लिए अगर जम्मू कश्मीर जुगुलर वेन है तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर नेक है। उनकी जुगुलर वेन कट जाती है तो वो चलाते हैं, हमारी तो नेक कट जाएगी भाई, हम चला भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Can be dupes. Fears can be liars. As possible sometimes, we hope it can be, can save us. But sometimes we are all when fear, it will not come true. There's a long, long struggle. We have to traverse long. This path is beset with thorns. Feet may bleed, but one thing is there. One who remains steadfast, one who remains determined, one who will not lose courage, he ultimately triumphs. That is the victory that Masaiba, I want to give my comrades in arms. It's an ideological battle. Because my friend told you just now that we are fighting against an ideological state, Pakistan. You have to also prepare yourself for ideological battle. And where you win, it's always triumph of truth over falsehood. And I bring your message that we are the messengers of light, we are the messengers of peace, we will triumph over the forces of death. Savitri Satyabhama. That is the struggle. Pan Kashmir is raging, relentlessly raging. I
paying a tribute to my comrades in arms, those who did not deviate from Sparta, did not dilute it, hence but of many provocations and other things. I grieve, pay for with us, we will gain, we will achieve what we have to achieve. My blessings are with them. I am at the age of 87 now. I had a long drawn struggle there. I have seen the political age of 60 years. I have seen all types of organizations I have worked. But my settled places and my stage I have wanted to be in mission, and they will triumph, and they will triumph. My blessings are with them. May God bless them.